देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण करेंगे। बता दें कि 68 सदस्यीय विधानसभा का 12 नवंबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को आज अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया जाएगा। बता दें कि रजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज और कांग्रेस पार्टी कल यानी 5 नवंबर को जारी करेगी घोषणा पत्र। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस। बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नगरोटा बगवा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे का आज ऐलान कर सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग में गड़बड़ी के आरोप में फंसे सीनियर आईएएस ऑफिसर पी नरहरि कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए आज इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई औद्योगिक निवेश नीति को दी मंजूरी, 23 में से 24 प्रस्ताव हुआ पास। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव में गुरुवार को मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग हुई, जहां 52.38% मतदान हुआ और 7 नवंबर को मतगणना होगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से गैस चैम्बर में तब्दील हुआ दिल्ली। बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावक हुए चिंतित, सांस लेने में हो रही है परेशानी। चंडीगढ़ के एक स्कूल का टीचर कर रहा था छात्रा से यौन शोषण, हंगामे के बाद शिक्षक को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा भ्रष्ट आईएएस को जमानत देने का कोई आधार नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते 24 घंटे में दुष्कर्म के 2 मामले सामने आए, जबकि छेड़खानी की भी एक घटना सामने आई है। महिलाओं की सुरक्षा पर उठ रहा है सवाल। हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में लगे पीओके चाहिए के नारे, रक्षा मंत्री बोले धैर्य रखिए जरूर होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। जयपुर नगर निगम महापौर पद के चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, 10 नवंबर को है उपचुनाव। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की 3री बैठक हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह और जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा सुभाष चौकी पर यातायात माह नवंबर का शुभारंभ किया गया। सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। संभल के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में विकास खंडों के इंडिकेटरों की माह सितंबर तक की प्रगति रिपोर्ट संबंधित बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों के इंडिकेटरों पर समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। श्री माता उग्रतारा संस्कृति महोत्सव सहरसा 2022 का उद्घाटन आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, सांसद दिनेश चंद्र यादव, चौधरी महबूब अली कैसर और मनोज झा आदि उपस्थित रहेंगे। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।